तो दोस्तों हो गया बिग बॉस के घर में दोबारा गृह युद्ध, जिसकी हम सोच रहे थे कि यार देखने को मिल नहीं रहा, कब होगा, वो हो गया। और वो भी किस चीज़ को लेकर के, प्रतीक, शमिता, राजीव, इन दोनों में हुआ है बहुत बड़ा भयंकर युद्ध कह सकते हैं। वो क्या है, किस बात पे हुआ है, वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों स्वागत है आपका ट्रेंडिंग वर्ल्ड पे, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त जैन अंसारी। चैनल पर नए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों किस बात पर हुई है प्रतीक, शमिता, राजीव की लड़ाई, वो यूं हुई है कि प्रतीक को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो हर लड़की जब गलत बात हो रही होती है, लड़की के ऊपर गलत बात होती है तो प्रतीक हमेशा बोलता है। तो बस शमिता शेट्टी ने इतनी सी बात कही थी कि एक बात बता, जब बिच्कू लेने ये बात कही थी कि शमिता पेरी की जूती है, एग्जैक्टली उन्होंने ये नहीं कहा था, बस जूती के बारे में कुछ तो कहा था कि सलमान भाई ने कहा था कि इन्होंने तुम्हें नहीं कहा। वो शमिता शेट्टी दोबारा वही बात रिपीट टेलीकास्ट करते हुए नजर आएंगे। जब उन्होंने ये बोला कि शमिता पेरी की जूती है तो तब क्यों क्यों तो क्यों नहीं बोला, वैसे तो कहता कि मेरे को भाई लड़कियों पर गलत बात सुनने की आदत नहीं है, तो तब क्यों नहीं बोले तुम प्रतीक। बस इतनी सी बात शमिता शेट्टी उससे पूछती है। और वो कहती है, वो तभी वो कहते हैं कि वो मेरा कॉन्टेंट नहीं था, मेरे को जब जहाँ बोलना मेरे को मन करेगा मैं वहीं पर बोलूंगा। तो शमिता शेट्टी कहती है कि तुम फालतू की लड़ाइयों में कूदते ही क्यों हो, जब दूसरे की आपस की लड़ाई हो रही है तो बीच में मत कूदा करो, वैसे भी तुम्हें कूदने की भी तबाही है और गलत गलत बात तो गलत गलत जगहों पर बोलते भी हो तुम। बस यही चीज़ सुन करके प्रतीक सेजपाल के लग गई मिर्ची और वो उड़ पड़े रॉकेट की तरह। तबीयत से राजीव से हर किसी से बदतमीजी करते हुए नजर आए प्रतीक सेजपाल तबीयत से। और राजीव से जो इतनी बदतमीजी करी बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा उन्होंने कहा, पता नहीं क्या क्या बोला था, ज़्यादा याद अच्छी तरह से नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हुए नजर आए प्रतीक सेजपाल। जो गलत जगहों पर बोलता है वही फंसता है, वही हुआ। राजीव बताते हैं, कहते हैं कि तुम मुझसे तमीज़ से बात करो। फिर शमिता शेट्टी इधर उसके साथ होकर के राजीव बताते हैं, बोलते हैं कि शमिता शेट्टी सिर्फ पूछ रही हैं, तुम बता दो ना कि किस वजह से नहीं बोले हुए थे, तुम लड़कियों की इज्जत करते हो ना, जब लड़की के साथ वहाँ पर गलत इंसाफी गलत बात हो रही थी तब क्यों नहीं बोले तुम, जब तो तुम देवोली ना वीआईपी की खिदमत करने में लगे हुए थे। तो इस बात पर आपको क्या है गाइस कहना, हमारे को कमेंट करके बताएं कि प्रतीक वाकई फुटेज खाने के लिए है, गलत गलत मैटरों में बोलता है, अगर बोलता है तो हमें कमेंट करके बताएं। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जुड़े रहिए हमारे साथ ट्रेंडिंग वर्ल्ड पर ऐसे ही तड़कती फड़कती अपडेटों के लिए।